हिसार लोकसभा के चुनावी रण में शनिवार के दिन नामांकन दाखिल कर जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला एक बार फिर हिसार लोकसभा की जनता के भरोसे चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। दुष्यंत चौटाला का नामांकन भरवाने पहुंचे उनके पिता और पार्टी के संरक्षक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, माता नैना चौटाला और गठबंधन की भागीदार आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जय हिंद। आज हिसार की और सिरसा की जननायक जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष नवीन जी भी मौजूद थे, नॉमिनेशन भरी है और बड़ी बची आज 8 सीटों पर दोनों संगठन आगामी 22 और 23 तारीख को अपनी नॉमिनेशन भरेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह का समर्थन लोगों का मिला, जन भावनाएं आज बदलाव चाहती है। बेटे दुष्यंत चौटाला का नामांकन भरवाकर मीडिया से मुखातिब हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हिसार का चुनावी मैदान उनके लिए नया नहीं है। एक सांसद की हैसियत से दुष्यंत चौटाला ने हिसार की जनता की पूरी सेवा की है, ऐसे में हिसार की जनता दुष्यंत का पूरा साथ देगी। मैं तो हिसार की जागरूक मतदाताओं से एक ही गुजारिश करूंगा कि पिछले 5 वर्ष में हिसार के सांसद ने जन भावनाओं के अनुरूप काम किया है, आपको सम्मान दिया है, आपकी इज्जत बढ़ाने का काम किया है, आपका प्रदेश और देश की लोकसभा में अगर गौरव बढ़ाने का काम किया है तो आप उसे आशीर्वाद दें। अगर वो आपकी स्थिति में उन बातों पे खरा नहीं उतरता, मुझे कोई दिक्कत नहीं। शनिवार के दिन हिसार शहर के पटेल नगर में दुष्यंत चौटाला ने अपना मुख्य चुनावी कार्यालय भी खोल दिया। कार्यालय के उद्घाटन पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि दुष्यंत को जीत की मंजिल तक पहुंचाना अब पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज, हिसार।